हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी स्टाइल तड़का। और आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी वाली चटनी बनाने वाले हैं, जिसको बनाने के लिए आपको प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, मिर्ची चाहिए, पुदीना चाहिए और आपको धनिया चाहिए। इन सबको बारीक काट लीजिएगा, अच्छे से पहले धो लीजिएगा, फिर बारीक चॉप कर लीजिएगा। आप मिर्ची, हरी मिर्ची भी काट लीजिएगा छोटे छोटे पीसेस में। आप इन सब चीज़ों को पहले काट लीजिएगा। देखिए, काट के अगर आप चटनी बनाते हो तो वो थोड़ी जल्दी बन जाती है। और हम इस चटनी को बेसिकली कूट के बनाने वाले हैं, मिक्सी में पीस के नहीं बनाने वाले हैं। तो हम इस चटनी को, चलिए आइए बनाते हैं, कुंडी में कूट के। आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है। और पहले आप प्याज और मिर्ची और लहसुन को एक कुंडी में पीस लीजिएगा, और इसका मतलब है कूट लीजिएगा। और जब ये प्याज और थोड़ा कूट जाए तो उसके बाद आपको इसमें पुदीना और धनिया ऐड करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि प्याज बाहर निकलता रहेगा, जो अनियन है वो बाहर निकलता जाएगा। उसके बाद फिर से इसको कूटते रहिए, कूटते रहिए, कूटते रहिए। थोड़े से टाइम के बाद एक काफ़ी स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। और अब यकीन मानिए, जब आप इस तरीके से कूट के चटनी बनाते हैं तो वो 1000 times बेटर टेस्ट करती है एज़ कंपेरिजन टू मिक्सी के। तो कोशिश करिए, अगर आपके घर में कुंडी है तो आप उस पर, या सिलबट्टा है तो आप उस पर पीस के ये चटनी बनाएं। आप इसको दही के साथ, मिसी रोटी के साथ, कितना भी कोई किसी भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है और आप उसको फिर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये बहुत हेल्दी चटनी होती है। आप इसको दही के कॉम्बिनेशन के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, मिसी रोटी के साथ। आप भी ज़रूर से ज़रूर इस चटनी को बनाइएगा, ट्राई करिएगा। आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चटनी कैसे लगी, आपको ये कितनी टेस्टी लगी। और अपनी ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें अपने आइडियाज़ ज़रूर से ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।